So let's move to the next topic that is work done by a spring force. Okay, जैसे कि हमने देखा है स्प्रिंग फोर्स क्या होता है इन द चैप्टर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विथ फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन, दोनों में भी हमने देखा है. तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क डन करता है. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है. दिस इज अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. ओके, दिस स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द रिजिड सपोर्ट एट वन एंड एंड इस स्प्रिंग की दूसरी एंड पे हमने एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया है. इन दिस केस, इन द फर्स्ट केस यू कैन सी द स्प्रिंग इज इन द रिलैक्स्ड पोजिशन. स्प्रिंग कौन सी पोजिशन में है? रिलैक्स पोजिशन में है. रिलैक्स पोजिशन का मतलब क्या हुआ? इस वक्त स्प्रिंग के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स. स्प्रिंग के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. सो अगर स्प्रिंग के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो रहा है, लग रहा है, तो इसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स भी कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है. स्प्रिंग पे भी कोई फोर्स, स्प्रिंग अपनी फोर्स भी नहीं बनाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, स्प्रिंग को एक्सटेंड नहीं किया गया है. देर इज नो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे फिर? दिस ब्लॉक इज इन द मेन पोजिशन. ये इस ब्लॉक की मेन पोजिशन होती है. वॉट इज मेन पोजिशन? इस ये ब्लॉक जो है अपनी मेन पोजिशन पे है. लेकिन हमें समझना है मेन पोजिशन क्या है. मेन पोजिशन किसी भी बॉडी की वो पोजिशन होती है जहां पर बॉडी पे नेट फोर्स कितनी होती है? जीरो होती है. मतलब बॉडी पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रही होती है. तो यहाँ पर इस बॉडी पे मीन्स इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितनी है? जीरो है. ओके, क्योंकि ना ही तो इसको स्प्रिंग खींच रहा है, ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स है. वेट mg है जिसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है. तो नेट फोर्स कितनी हो गई? जीरो हो गई. नेट फोर्स जीरो होने की वजह से जो भी ब्लॉक की पोजिशन होगी वो उसकी मेन पोजिशन होगी. ठीक है, चलो इतना समझ में आता है. अभी हम क्या करेंगे, इसी ब्लॉक को मैंने यहां से पकड़ा और मैं खींच रहा हूं बाहर की तरफ. हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को हमने पकड़ा और इसको बाहर की तरफ खींच रहे. बाहर की तरफ कितना खींचा? बाहर की तरफ इतना खींचा कि हम ब्लॉक की फाइनल पोजीशन तक आ गए. दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक. हम ब्लॉक की कहां तक आ गए? फाइनल पोजीशन तक आ गए. करेक्ट. तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि जब मैंने ब्लॉक हमारा मेन पोजीशन पे था, मेन पोजीशन से खींच के मैं उसको एक सर्टेन पोजीशन पे लेके चला गया, तो इस दौरान मैंने कितना वर्क डन किया? व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग दिस टाइम? ओके, इस दौरान हमने कितना वर्क डन किया? टू डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन टू xf. बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए अपनी मेन पोजीशन से लेके कहां तक? एट अ सर्टेन पॉइंट जहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी मेन पोजीशन से? xf, फाइनल डिस्प्लेसमेंट यू कैन से. करेक्ट. तो इतना ये जो डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए, सी यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी है और मैंने फोर्स भी लगाया था ब्लॉक के ऊपर, तो फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी है जिसकी वजह से कितना वर्क डन हुआ ये हमें पता करना है. क्लियर? ओके, नाउ क्लास व्हाट वी विल डू, विल मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक. इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ठीक है चलो, मतलब मान लेते हैं ब्लॉक को हम मेन पोजिशन से लेके कहां तक जा रहे हैं? ये पोजिशन तक लेके जा रहे हैं. दिस पोजिशन इज नोन एज द एक्सट्रीम पोजिशन. इस पोजिशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजिशन. व्हाट इज एक्सट्रीम पोजिशन? एक्सट्रीम पोजिशन इज दैट पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन इज दैट पोजिशन विच इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन. एक्सट्रीम पोजिशन इज दैट पोजिशन विच इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन. मतलब मेन पोजिशन से आप ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक को यहीं तक लेके गए तो ये आपकी एक्सट्रीम पोजिशन होगी. अगर आप इसके आगे लेके जाओगे तो वो आपकी एक्सट्रीम पोजिशन होगी. अगर आप यहीं तक लेके गए ब्लॉक को खींच के तो ये आपकी एक्सट्रीम पोजिशन हो गई. ओके, एक्सट्रीम पोजिशन इज द पोजिशन इन विच इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन. ओके, एक्सट्रीम पोजिशन वो पोजिशन होती है जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है. कहां से? मेन पोजिशन पे. एंड वी नो दैट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन इज नोन एज द एम्पलीट्यूड. तो ये आपका एम्पलीट्यूड भी हो गया. ठीक है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड. तो ये आपका एम्पलीट्यूड भी हो गया. लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस एम्पलीट्यूड पे नहीं है, यहाँ पर हमारा फोकस है वर्क डन पे. तो हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. मैं इस ब्लॉक को यहाँ से, ये अपनी मेन पोजिशन पे था ना, यहाँ से जब लेके यहाँ पर जा रहा हूँ तो एक ड्यूरेशन ऐसा आया होगा जब हमारा ब्लॉक यहाँ पर होगा, तो वो ड्यूरेशन मैंने यहाँ पर बनाया. ओके, वो ड्यूरेशन मैंने यहाँ पर बनाया जहाँ पर ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एक्स डिस्प्लेसमेंट है. और हम ब्लॉक को पुल करते हुए लेके जा रहे हैं राइट की तरफ. जैसे ही ब्लॉक को पुल करते हुए आप राइट की तरफ लेके जाओगे, एक्स की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, है ना? ऑब्वियसली देखो, कुछ देर के बाद आपका ब्लॉक अगर यहां पर आ जाएगा तो अभी आपका एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा. दिस इज योर वैल्यू ऑफ एक्स. सी,
तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको x1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन, करेक्ट। तो यहां पर जैसे आप ब्लॉक को राइट की तरफ खींचते जाओगे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी, क्लियर। ओके, नाउ वी नो दैट अगर मैं ब्लॉक की FBD बनाऊं, तो देखो ये ब्लॉक है, करेक्ट, दिस इज अ ब्लॉक, इसका खुद का वेट दैट इज एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस ब्लॉक के ऊपर, और स्प्रिंग क्या करेगा, हमेशा हमें पता है स्प्रिंग फोर्स हमेशा इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजिशन, स्प्रिंग फोर्स हमेशा कहां पर होगी, मेन पोजिशन पे, मतलब स्प्रिंग ब्लॉक को खींचना चाहता है कहां पर, मेन पोजिशन पे, तो ये स्प्रिंग फोर्स होगी लेफ्ट की तरफ। ओके, मैं इस इंस्टेंट के लिए बना रहा हूं, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट थी, एज वी नो दैट ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कितनी है, x1 डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है दैट इज इन द राइट डायरेक्शन एट दिस इंस्टेंट, x1 की डिस्प्लेसमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन, क्लियर। तो ये सब चीजें हो रही है यहाँ पर। ओके क्लास, फाइन, नाउ व्हाट वी विल टॉक, हमारा इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क डन किया। तो सबसे पहले आपको स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज नथिंग बट के इंटू एक्स विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, ऑब्वियसली दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हो गया, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, व्हाट इज के इन दिस केस, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो स्प्रिंग फोर्स तो हमें समझ में आता है, अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन। क्लास हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, लेकिन हम कौन सा वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पर ये जो फोर्स होगी ये स्प्रिंग फोर्स होगी, डिस्प्लेसमेंट जो भी है चलो एक्स मान लेते हैं, कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो, फोर्स कांस्टेंट नहीं है तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, हम इस ब्लॉक को मेन पोजिशन से खिसका के यहाँ तक लेके जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू में कंटिन्यूसली चेंज है, एक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर जब ब्लॉक इस पोजिशन पे था तब एक्स की वैल्यू x1 थी, जब ब्लॉक इस पोजिशन पे था तब एक्स की वैल्यू x2 थी। तो x की वैल्यू में कंटिन्यूस चेंज होने की वजह से x कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स में भी चेंजेस होगा। स्प्रिंग फोर्स मतलब यहां पर वेरिएबल क्वांटिटी है, तो यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी है। इफ दिस इज अ वेरिएबल क्वांटिटी मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के साथ बदलते जा रहा है, तो अगर ये वेरिएबल क्वांटिटी है तो यू कांट यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, हमने देखा है। तो तब हम क्या करते हैं, हाँ अगर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपको स्प्रिंग फोर्स को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, आपको स्प्रिंग फोर्स को क्या बनाना पड़ेगा, कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स को सबसे पहले चलो हम कांस्टेंट बनाएंगे, मैंने आपको ये सिखाया भी है कि कैसे कांस्टेंट बनाते हैं इन द प्रीवियस लेक्चर, आज भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मतलब मान लो यहाँ पर ये जो ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट थी, दिस डिस्प्लेसमेंट इज डी एक्स, ये ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट है, आप इस ब्लॉक को पोजीशन पी से पोजीशन क्यू तक लेके चले गए, बट दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी 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 स्मॉल, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही छोटी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, चलो x1 का वैल्यू मतलब मान लो ये जो x1 है ये आपका है समथिंग 2.00 सेंटीमीटर, और x2 का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ x2, ये आपका मतलब मान लो 2.01 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो आपका जो dx का वैल्यू हो गया, कैन आई से दैट dx इज नथिंग बट x2 माइनस x1, सो ये हो गया 2.01 माइनस 2.00 व्हिच इज इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ dx। इतना छोटा वैल्यू रखा है हमने dx, इससे भी छोटा होगा, मैंने तो एग्जांपल लिया, इससे भी छोटा होगा, 0.00001 इतना छोटा होगा, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट सिमिलर एक एग्जांपल लिया है। अभी यहां पर देखो, जब यहाँ पर x1 डिस्प्लेसमेंट थी तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज माइनस के x1, करेक्ट। ओके, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर k का वैल्यू, चलो k का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 10, अज्यूम करो 10 है, इज द k का वैल्यू 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये k का वैल्यू अज्यूम करो। तो यहाँ पर जब आप देखोगे k का वैल्यू, इट इज माइनस 10, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2.00, तो ये हो गया माइनस 20.00,
इन द नेक्स्ट केस एफ एस का वैल्यू फॉर एक्स टू डिस्प्लेसमेंट इट इज माइनस के एक्स टू, तो माइनस के का वैल्यू कितना आपका, के का वैल्यू है 10, एक्स टू का वैल्यू कितना है, इट इज 2.01, तो ये कितना हो गया 20.1 करेक्ट। तो यहाँ पर माइनस 20.1, तो यहाँ पर जब आप इन दोनों का स्प्रिंग फोर्स एफ एस वन एफ एस टू ले लो, एफ एस टू माइनस एफ एस वन करोगे मतलब दोनों स्प्रिंग फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा माइनस 20.1 माइनस 20.0, क्लियर। तो ये आंसर ये आंसर कितना बन जाएगा आपका, ये आंसर आपका बन जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा सॉरी, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये आंसर हो गया आपका माइनस 0.1 सेंटीमीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो ओनली। तो देखो आपका चेंज इन स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। इफ चेंज इन स्प्रिंग फोर्स इज जीरो, इफ चेंज इन स्प्रिंग फोर्स इज जीरो, एफ एस टू माइनस एफ एस वन अगर आपका वैल्यू जीरो है, तो कैन आई से दैट एफ एस टू इज इक्वल्स टू एफ एस वन, है ना, मतलब स्प्रिंग फोर्स अभी वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, मतलब बॉडी को जब आपने पी से क्यू तक डिस्प्लेस करवाया है, ध्यान से सुनना, बॉडी को जब आपने पी से क्यू तक डिस्प्लेस कराया है, तो इस दौरान स्प्रिंग फोर्स क्या रहा, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहा, ओके, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहा स्प्रिंग फोर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू। सिर्फ पी से क्यू तक डिस्प्लेस कराने के लिए हम लोग ने मान लिया वर्क डन कितना है, डी डब्ल्यू, कितना वर्क डन है, डी डब्ल्यू, वेरी स्मॉल वर्क डन। तो ऐसा हम अज्यूम करेंगे कि जब बॉडी यहां से डिस्प्लेस हुआ यहां तक, तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स थे जहां पर वर्क डन कितना था, लाइक दिस, यहां पर वर्क डन डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, ये सारे इंटरवल्स में वर्क डन डी डब्ल्यू है। तो ऑब्वियसली अगर सारे इंटरवल्स में वर्क डन डी डब्ल्यू है, तो हमें अगर टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना हो तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऑब्वियसली ये सब हम किससे सॉल्व करेंगे, कैलकुलस से सॉल्व करेंगे, क्लियर क्लास। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ओके नाउ हमें पता है, चलो पी, जब मैंने बॉडी को पी से क्यू तक डिस्प्लेस करवाया, पी से क्यू तक, तब डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, डी एक्स की डिस्प्लेसमेंट थी। सो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा भी आएगा, हमें पता है यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा, थीटा इज 180, ओके, लेकिन वो लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी नेगेटिव साइन ले लिया है, स्प्रिंग फोर्स में ही नेगेटिव साइन आ गया है, तो आपको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस के एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डी एक्स। देखो ऑटोमेटिक वर्क डन आपका नेगेटिव आ गया क्योंकि हमें पता है ना, यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन क्यों इंडिकेट किया था, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके लिए हमने नेगेटिव साइन इंडिकेट किया था। तो ऑटोमेटिकली देखो जब आपने एफ की वैल्यू पुट किया, यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या थी, माइनस के एक्स, व्हाट इज एक्स इन दिस केस, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ब्लॉक, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ब्लॉक फॉर पोजिशन पी, जब ब्लॉक पोजिशन पी था तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजिशन कितनी थी, वो एक्स है आपका, रिमेंबर दैट थिंग, ओके फाइन। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, ओके, नेगेटिव साइन ऑटोमेटिक आ गए बिकॉज वी नो दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, दोनों के बीच में एंगल कितना है, सी, स्प्रिंग फोर्स इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, कॉस 180 इज माइनस वन, तो कॉस 180 की वैल्यू मैंने माइनस वन पुट कर दी, तो ये आपका वैल्यू आ गया दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स डी एक्स, ओके, तो ये वर्क डन मिल गया। चलो अगर हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स, सो इज इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट्स पुट कर देंगे, एक्स आई इज द इनिशियल लिमिट एंड एक्स एफ इज द फाइनल लिमिट, ओके। नाउ व्हाट इज एक्स आई, व्हाट इज एक्स आई, एक्स आई इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द मेन पोजिशन, मीन्स वॉट, चलो मतलब मान लो ब्लॉक अपनी मेन पोजिशन पे नहीं था इनिशियली, मान के चलो ब्लॉक अपनी मेन पोजिशन पे नहीं था, ये मेन पोजिशन से कुछ आगे था, लाइक दिस, यहां पर था ये मेन पोजिशन से कुछ आगे था, ये आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है एक्स आई। तो मतलब जब ब्लॉक, जब आपने ब्लॉक को इस पोजिशन से, मतलब इस पोजिशन से खींच के मैं यहां पर लेके गया, कौन से पोजिशन से, इस पोजिशन से, ब्लॉक इनिशियली अभी यहां पर है समझो, इस पोजिशन से खींच के अगर हम राइट की तरफ लेके जाएंगे, देखो ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है एक्स आई, तो यहां से खींच के यहां तक लेके जाने में, यहां से खींच के यहां तक लेके जाने में कितना वर्क डन हुआ, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बना रहे हैं। सो इज इक्वल्स टू माइनस के, एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट्स विल बी एक्स आई से एक्स एफ,
सो देयरफॉर माइनस के अपॉन टू, टू को बाहर ले लिया हमने, एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू, क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, क्लियर? ओके, नाउ इफ इफ एक्स आई का वैल्यू जीरो, एक्स आई का वैल्यू जीरो मतलब उसकी इनिशियल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन क्या रही होगी, उसकी मीन पोजिशन रही होगी, तभी तो उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, मतलब ब्लॉक अगर यहीं पे है अपनी मीन पोजीशन पे, सी डिस्प्लेसमेंट जो भी मेजर की जा रही है वो कहां से मेजर की जा रही है, मीन पोजीशन से मेजर की जा रही है, अगर ब्लॉक खुद मीन पोजीशन पे है तो ऑब्वियसली उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो होगी, अगर उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग बट माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, माइनस के एक्स एफ, सॉरी एक्स एफ स्क्वायर अपॉन टू, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वेरी सिंपल फॉर्मूला, सो इससे क्या समझ में आता है, दैट वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, स्प्रिंग फोर्स का जो भी वर्क डन होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल मूव टू द न्यूमेरिकल्स.